हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर का रिवीजन। इससे पहले 12th चैप्टर का रिवीजन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 11th। इनमें से इस चैप्टर में से काफ़ी पोर्शन आप लोगों का रिमूव है, राइट। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ एंड डिसीज, उसमें कोई भी चैप्टर में से कुछ भी रिडक्शन पार्ट नहीं था, फुल चैप्टर आना था। वो मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना आप पर कैसे करना है। नेक्स्ट एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है सबसे पहला। इसमें जो आपका टॉपिक गिवन है दैट इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं है, तो आप इसको पूरा पैराग्राफ कट कर दीजिए। मैं यही कहूंगी इसमें से पूरा पैराग्राफ कट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में से यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ से आप पूरा कट कर दीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं यहाँ से तो हमें करना क्यों है। हमें तो सिर्फ वो क्वेश्चन करना है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एंड दैट्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एज यू नो दैट 11.2, 11.3, 11.4 ये पार्ट ऑलरेडी आपके कट हैं, राइट। तो मैं हम लोग डायरेक्ट 11.5 निकालते हैं। मेरे ख्याल से मुझे 11.5 निकालना चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 11.3 टिश्यू कल्चर, क्या 11.5 पर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी के देखिए फर्स्ट पार्ट में तो आप लोगों का कुछ था ही नहीं। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है एग्जाम में। 11.2, 3, 4 ये आप लोगों के ऑलरेडी रिड्यूस पार्ट है, वो हमें पढ़ना नहीं है। 11.5 आता है जो कि है बायो फोर्टिफिकेशन का। इसमें आप लोगों की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन। सो इट इज अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रीड फॉर हैविंग हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्रॉप्स को ब्रीड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स की जो लेवल है वो क्या है, हाई होती है। जिसकी वजह से जो मैल न्यूट्रिशन होता चला जा रहा है कंटिन्यूसली हमारे पॉपुलेशन में, वो रिड्यूस्ड हो सके। इसके साथ काफ़ी सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिशन कंटेंट एंड क्वालिटी। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन मिनरल्स को ही देख रहे हैं, प्रोटीन, ऑयल कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिशन, इनको भी साथ के साथ देखा जाता है। यहाँ पे ब्रीडिंग प्रैक्टिस करी जाती है RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बायो फोर्टिफिकेशन का, ये जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन में, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो होती है RDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें प्लांट में जो फूड आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस हो सके, अच्छी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायो फोर्टिफिकेशन के, जैसे कि फोर्टिफाइड मेज having twice the amount of amino acid lysine and tryptophan। maize होती है, maize का जो bio fortification किया गया उसमें amino acid lysine और tryptophan की increasement किया गया। यही हम wheat atlas की बात करें, wheat atlas 66, इसमें higher protein content, iron fortified होता है। rice की बात करें 5 times more iron develop किया गया है। vegetable crops में carrot है, spinach है, जिसमें vitamins A और minerals का concentration बढ़ाया गया है। जितने भी vitamin C वाले आप लोगों के फ्रूट्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, जैसे कि बिटर गार्ड, टोमेटो, ये हम लोगों के IARI से डेवलप की गई है। यहाँ से 1 मार्क्सिट हम सब सिंपल पूछ लेते हैं। 11.6 आप लोगों का कट है, आप लोगों को नहीं करना है। डायरेक्ट अब आ जाते हैं हम लोग 11.7 पे। चलिए 11.7 पे मूव अप करते हैं। 11.6 का आप लोगों का जो ब्रीडिंग वाला पार्ट है बिल्कुल रिड्यूस्ड है, वो हम लोगों को करना ही नहीं है। 11.7 में आ जाता है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये लोग ये जो आप लोग का टॉपिक है, ये ऑलरेडी आप लोग 9th में 10th में 11th में काफी सारा पोर्शन है इसका, आप लोगों ने अपने जो प्रीवियस क्लासेस उसमें पढ़ा ही होगा। जैसे कि हम लोगों के आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो किस तरीके से हम उसके अपने वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बायोटेक्नोलॉजी होती है, जिसमें साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर जितने भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं यानी कि माइक्रोब्स, वो ह्यूमंस के लिए एज अ वेलफेयर यूज किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी टाइप के होते हैं, एल्गी हुआ, फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, इन सब का कुछ ना कुछ हमारे वेलफेयर में यूज है, चाहे खाने में हो, हेल्थ में हो, इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, बायो कंट्रोल में, चाहे किसी भी चीज में। यहाँ पर बहुत सारे फूड्स हैं और उनकी जो फीडिंग टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री, वेस्ट यूटिलाइजेशन, एनर्जी, सब में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। देखो ये लास्ट वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ तक इम्पोर्टेंट था, सिर्फ
मेथड कौन सा यूज होता है वेलफेयर के लिए, माइक्रोब्स के लिए? बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है, राइट? सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पूछ लेंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं, यहाँ से तो पूरा ही काट दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का बना लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैरायटी वाला बना लो, इससे आगे कुछ नहीं पूछेंगे, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। फूड प्रिपरेशन में बात करते हैं, 2 तरीके से होता है, 2 फेजेस में होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोब्स के यूजेस से, 2 फेजेस में होता है। एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल टिल 1971 तक था, मॉडर्न आफ्टर 1970 जो अभी तक आप लोगों का चल रहा है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस। अभी तक आप लोगों ने 9th 10th 11th में फर्मेंटेशन पढ़ते आए हो, फर्मेंटेशन पढ़ते आए हो, ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल था। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किसी की भी बात करें, डोसा, ढोकला, इडली, सब में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर एयरबॉर्न ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि बैक्टीरिया की स्पीसीज यूज की जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। देखो मैं यहाँ कोई भी आप लोगों की जितनी भी प्रोसेस है वो यहाँ हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th 10th 11th में भी पढ़ के आए हो कि बैक्टीरिया का यूज़ किया है। उस बैक्टीरिया को हम लोगों का जो डफ होता है, डोसा ढोकला इडली का बैटर होता है, उसमें मिक्स किया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, डफ बन जाता है, बना लेते हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, ऑब्वियसली बात है, माइक्रोब्स का यूज हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड भी करते हैं। एक होता है टर्म SCP, जो आप लोगों का कट है, सिंगल सेल प्रोटीन, डिनोट्स डेड एंड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स। किसको डिनोट करता है? जो हमारे डेड और ड्राइड सेल्स होते हैं माइक्रोब्स के, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गा, मॉल्ड्स एंड ईस्ट। कुछ मशरूम्स भी हैं, कुछ ट्रफल्स भी हैं, जो एज अ डायरेक्टली हम लोग फूड यूज करते हैं। बैक्टीरिया, एल्गा, मॉल्ड्स, इनको तो फिर भी मॉडिफाई किया जाएगा, कुछ इसमें प्रोसेस परफॉर्म करी जाएगी। मशरूम्स और ट्रफल्स तो ऐसे फूड है जो डायरेक्टली हम लोग खाते हैं, सब्जी बनती है मशरूम्स की, तो आप लोगों को पता ही होगा। हायर फंजाई में बिलोंग करते हैं मशरूम्स और ट्रफल्स। फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज होती है, एडिबल होती है, खाने लायक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबल? खाने लायक। और उनकी शुगर फ्री होती है, विटामिन, फैट, ये सब ज्यादा भी नहीं होते हैं, एंड देयर फूड इन द फ्रूटिंग बॉडीज लो कैलोरी और लो कैलोरी वैल्यू होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का कर्ड हो गया, और इसके अलावा चीज हो गई, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो लैक्टोबैसिलस होता है, जो मिल्क में एड किया जाता है। ये हमारी लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड प्रोटीन को, जो मिल्क में प्रोटीन होता है कैसीन, उसको कोगुलेट कर देता है और मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड, योगर्ट या फिर चीज में। पता है ना, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। सबसे पहले कर्ड वाला है, इसमें बैक्टीरिया का यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ओके, गॉट इट। यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखने के लिए नहीं आएगा, सिंपल पूछेंगे कि कर्ड बनाने के लिए हम लोग जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। योगर्ट की बात करें तो योगर्ट में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस बल्गरिस, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा, बैक्टीरिया का नाम, वो भी 1 मार्क्स में। बटर मिल्क में यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोगों का कर्ड होता है, राइट? कर्ड में थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है ना, होता है कि नहीं होता? कर्ड में थोड़ा थोड़ा सा पानी आ जाता है दही के ऊपर, उस पानी को क्या है, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, राइट? और जो हमें थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड जेली टाइप मिलता है, दैट इज बटर मिल्क। चीज की बात करें, चीज में वही है कि मिल्क जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, राइट, कर्ड है, जैसे मिल्क था, मिल्क में लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड मतलब कर्ड बन गया। अब कर्ड में जो ऊपर छोटा छोटा थोड़ा सा लिक्विड पार्ट होता है, वे जैसे बोलते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है, सॉलिड मास जली लाइक आप लोगों का कर्ड बचा, फिर उसको राइप किया जाता है, उस पर माउल्ड ग्रोथ करी जाती है, फिर उसमें फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं, चीज बन जाती है, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज की चीज है, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट के साथ। यहाँ पर ये आप लोगों को नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। द रॉक्यूफोर्ट एंड द कैमेंबर्ट चीज आर राइपेंड बाय ब्लू ग्रीन मॉल्ड्स पेनिसिलियम राइकोफोर्टी एंड पी कैमेंब्रम रिस्पेक्टली। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ए एम 2 मार्क्स का, कि जो रॉक्यूफोर्ट या कैमेंबर्ट चीज है, इनको राइप्ड करने के लिए कौन सी वर्ड का यूज करते हैं, तो वो ये करते हैं। यहीं पर हम लोग बात करें स्विस चीज की, इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शेरमनी। गॉट इट भाई, बैक्टीरिया के नाम तो याद करने पड़ेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, पूरी समरी लिखने के लिए नहीं आएगी।
अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। जब हमारी फर्मेंटेशन होती है तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में जितनी भी वेवर्स एसिड विटामिन ग्रोथ हार्मोन्स एंजाइम सब कुछ बनाए जाते हैं, उन सबको बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है, आई मीन माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का यूज हो रहा है, वायरस बन जाए कुछ भी यूज कर सकते हैं। सबके सब कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फर्मेंटेशन, और उसी से हम लोग के बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक, इन सबका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। 2 मार्क्स की डेफिनेशन क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर फर्मेंटर फर्मेंटर, तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ लार्ज वेसल इज कॉल्ड फर्मेंटर। ठीक है, इनको पूरा पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिस एनवायरमेंट में वो अपने आप को ग्रो करते हैं, एंड देन फिर हम लोग उससे कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे सबसे बात करें सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस की, ज्यादातर लिक्विड में आते हैं जैसे कि टी, कॉफी, बियर, वाइन, ये सब स्टिमुलेट का काम करते हैं और इनके लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस नोन एज सिंस वैदिक पीरियड। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना कोई आज का नहीं है, लोग पता नहीं कब से पी रहे हैं, 5000 से 7000 BC का टाइम था तब से, वैदिक पीरियड से ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं, पिए जाते हैं, वो भी माइक्रोब्स के थ्रू। कोई नया प्रोडक्शन नहीं है, बस थोड़े से चेंज कर दिए और क्या है, बस ये कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले लोग बाग बोलते थे शरबत लेके आइए, समथिंग लाइक दैट, हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। अब वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब के नाम से आने चाहिए। और इसके लिए जिस ईस्ट का प्रोडक्ट, इन सबके प्रोडक्शन के लिए जिस ईस्ट का यूज किया जाता है वो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी वेर एलिप्सॉइड्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन की नाम बताइए ईस्ट का, ओके, जिसमें बहुत सारे सीरियल्स, फ्रूट जूस में फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, जिसमें किसका प्रोडक्शन होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, गॉट इट। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं वाइन और बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं। यही हम विस्की, ब्रांडी, रम की बात करें तो ये डिस्टिल बेवरेजेस हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कौन से नॉन डिस्ट विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस हैं, कौन से डिस्टिल्स के साथ हैं, गॉट इट। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स पहले आते थे जैसे बहुत सा, और इन सबको बनाने के लिए ईस्ट का ही यूज किया जाता था थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। आज के टाइमिंग पर भी काफी सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक है कोस्टल रीजन साउथ इंडिया में जो कि फर्मेंटिंग करी जाती है शुगर कैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम प्लांट्स एंड कोकोनट प्लांट। यहाँ पे जो शुगर सैप और यहाँ पे जो पाम प्लांट्स होते हैं, कोकोनट पाम होते हैं, इसे शुगर सैप एक्सट्रैक्ट की जाती है, देन उसके साथ फर्मेंटेशन प्रोसेस पर परफॉर्म की जाती है। और गोवा की जो ट्रेडिशनल वाइन है वो है फैनी, जो कि फ्लैशी पेडिकल्स ऑफ कैश्यू फ्रूट से बनती है, याद कर लीजिए। यहाँ से मैंने बता दिया 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 1-1 2-2 मार्क्स के, 1-1 2-2 मार्क्स के। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड्स आप लोग जानते होंगे ऐसे एसिड्स जो ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमने उनको नहीं बनाया है, हम वो मैनमेड नहीं है, ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, वही होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। बट माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड। देखो ऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिंपल ये पढ़ते हैं कि कोई भी एसिड जो ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, चाहे एनिमल के अंदर चाहे प्लांट के अंदर, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन अब तो माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग उन्हीं ऑर्गेनिक एसिड्स को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने लगे हैं, जैसे कि कोई भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे डायरेक्टली ग्लूकोज और उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं पाइरूवेट और इथेनॉल से बनाए जा सकते हैं, डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं। सिट्रिक एसिड इज यूज इन कन्फेक्शनरी, टर्म्यूमरिक एसिड इज इन रेजिंस एज वेटिंग एजेंट्स एंड ग्लूकोनिक एसिड इन मेडिसिन फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम Ca++। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से कोई भी बनेंगे। सिट्रिक एसिड में ये आप लोगों को चार्ट अवेलेबल है, सिट्रिक एसिड में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं बनाने के लिए एस्परगिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड में एस्परगिलस नाइगर सेम, फ्यूमरिक एसिड में राइजोपसारेसिस, एसिटिक एसिड विनेगर में एसिटोबैक्टर एसिटी। विटामिन के प्रोडक्शन में देख लीजिए, विटामिन के प्रोडक्शन में भी हम लोगों के माइक्रोब्स यूज होते हैं क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है। पहली बात 1 मार्क्स के क्वेश्चन, विटामिन क्या है, व्हाट आर विटामिन, विटामिन आर द ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, गॉट इट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन।
अब यहाँ पर हम लोग सारे विटामिन बना सकते हैं एक्सेप्ट वन, विटामिन डी. वन मार्क्स का क्वेश्चन अगेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन सिंथेसाइज एवरी टाइप ऑफ विटामिन एक्सेप्ट विटामिन डी. वो सिर्फ हमें सनलाइट से ही मिलता है और कुछ खाने से मिलता है, बाकी का हम इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकते. विटामिन डी को छोड़ के आप सारे विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हो, लाइक थायामीन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्साइन, फॉलिक एसिड, पेंथोनोइक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए एंड एर्गोस्टेरॉल, प्रो विटामिन डी. विटामिन डी नहीं, प्रो विटामिन डी. There's a difference. Got it? इसमें भी सब में microbial का fermentation का use होता है. नाम याद कर लीजिए, vitamin B12 के लिए कौन सा microbe use करते हैं, vitamin B12 के production के लिए कौन सा होता है और vitamin C के लिए कौन सा microbe use होता है. Okay? Antibiotics में आ जाइए, production of antibiotics में obviously बात है बहुत सारी antibiotics हैं, या मैं ये कहूँ 90% antibiotics का production microorganism से ही हो रहा है जो हमारे medical treatment में helpful होती है. आपको पता है यहाँ इस paragraph में से आपको कुछ भी लिखने को नहीं आएगा, simple one marks के question बनेंगे. देखिए एंटीबायोटिक्स में भी एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल सभी टाइप की होती हैं जो हमारे वूफिंगम, डायफ्थीरिया, लेप्रोसी और बहुत सारे डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं. पूरा पैराग्राफ कर दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. सिंपल यहाँ पर आ जाइए, जो चीज़ कहाँ से क्वेश्चन बनना नहीं है उसे हमें करना नहीं है, वहां से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगी. देखो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है किस माइक्रोब से हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्लोरोमाइसिटिन की बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, एराइथ्रोमाइसिन की बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस राइट्रोस, पेनिसिलिन की बात करें पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस, क्राइसोफिल्मिन में पेनिसिलियम ग्राइसोफल्पम, बैक्टीरिएशन में बैसिलस लाइक्नोफोर्नेस, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइकस एंड ऑरिफेशंस. गॉट इट? यहां से वन या दो मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी के इस पूरे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. समझ में आ गया? एंजाइम्स के प्रोडक्शन पर आ जाइए, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा देख लीजिए. यहाँ से देख लीजिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स नोन एज बायोकैटलिस्ट, वन मार्क्स का क्वेश्चन. एंजाइम्स एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं एंड इनकी एबिलिटी होती है टू प्रमोट रिएक्शंस मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोर एफिशिएंटली. जैसे आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, टू प्रमोट रिएक्शन. What is the function of catalyst? To promote reaction or to demote reaction. या तो उसको speed slow कर देंगे या बढ़ा देंगे, यही होता है catalyst का काम. In our body, enzymes are act like a catalyst. बस difference ऐसा है, catalyst आप लोगों के synthetic होते हैं, enzymes natural होते हैं जो हमारी body में present होते हैं, बाकी का काम सेम होता है. बहुत सारे microbes हैं जो कि सिंथेसाइज और excrete करे जाते हैं, उनकी बॉडी से बहुत सारा एंजाइम्स निकलता है, क्योंकि भाई जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं एक्चुअली में उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स ही तो प्रेजेंट है, तो उनकी बॉडी से एंजाइम्स की क्या किए एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो बनाए जाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि अमाइलेज, सेलुलोज, प्रोटीज, लिपेज एंड पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो बनाए जाते हैं. क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ, एंजाइम से लेकर पूरा सराउंडिंग मीडियम तक. इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो बनाए जाते हैं कमर्शियली, अमाइलेज, सेलुलोज, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या है. जैसे कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बात करें, एंजाइम्स आर एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक्स. ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे फैब्रिक्स की क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स. इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री दे आर इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग. ठीक है, हमारी जो पल्प और पेपर इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट होता है. फूड इंडस्ट्री में आर यूज्ड एज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड ड्रिंक सच एज वाइन एंड बियर. कोई डाउट नहीं है, सिर्फ यहाँ से इतना आएगा. इसके अलावा हम लोग बात करें कुछ हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसको एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कैटेनॉइड्स, ऑलिव ऑयल, लिपेज जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इसके अंदर ब्राइटनेस, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करता है, कॉस्मेटिक्स, एनिमल फीड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और बहुत सारी जगह पे यूज होता है. इतना कर लीजिए सिर्फ पार्टिसिपेट से लेकर अदर्स तक, इसके अलावा कुछ मत करिए. नाम याद कर लीजिएगा कि एंजाइम्स में कौन सा माइक्रोब यूज होता है, सैक्रोमाइसिस एरेविसी,
पैक्टिनीज में सेल्कोडिनिया लिबर्टी, लिबेस में कैंडिडा लिप्टुका, सेलुलोज में ट्रिकोडर्मा कॉनिकी, सिर्फ नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गिबरेलिन प्रोडक्शन पर। गिबरेलिन जो कि हार्मोन होता है प्लांट में, राइट, इसकी बहुत जरूरत होती है प्लांट की ग्रोथ होने के लिए, स्टेम एलोंगेशन के लिए। देखो इंपॉर्टेंट कहाँ से है वो बताती हूँ, यहाँ से मार्क कर लो। द फर्स्ट गिबरेलिन वॉज आइसोलेटेड बाई टू जैपनीज साइंटिस्ट याबुताएन सुमिकी इन 1938 from rice seedling infected with the fungus Gibrella fujicori. यहाँ तक मार्क कर लिया, next पढ़ो। 15 types of gibberellins have been isolated. यहाँ से important mark कर लीजिए, ठीक है? अब बताती हूँ कहाँ से है। They are used to induce parthenocarpine, apple, pear, etc. यहाँ मार्क करिए। अब इसका function क्या है ये देख लीजिए। Used in breaking the dormancy of seed, also in inducing flowering long day plants. And they also used to enlarge the size of growth rate. यहाँ से इतना मार्क कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कट कर लीजिए। कहाँ से हुआ, किस साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया, किस फूड में किया, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, ठीक है? मार्क कर लिया, नेक्स्ट मूव ऑन करिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब आ जाइए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पर। नेक्स्ट आता है कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? यहाँ पर देखो, कहने को तो सारा इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल दिया, कहने को तो सारा इंपॉर्टेंट, करने को तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। देखो यहाँ पर हुआ क्या, बात बताइए। सीवेज ट्रीटमेंट सब लोग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स के थ्रू। ये तो आप लोग ऑलरेडी 9th 10th 11th में पढ़ के नहीं आए हो क्या कि भाई हमारे म्युनिसिपल वेस्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाउसहोल्ड वेस्ट, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेनिक माइक्रोब सब कुछ प्रेजेंट होता है। और ये इसमें इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, एनिमल डंग सब कुछ इसमें डिस्चार्ज, पता नहीं क्या क्या मिक्स कर दिया जाता है, पता है ना, तभी जाके सीवेज बनता है। अब आपसे पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का यूज कैसे करते हैं। देखो एक सेकेंड, पहली बात तो ये यहाँ से पूरा काट दीजिए, कुछ लिखने के लिए आएगा नहीं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। सीवेज का कंपोजिशन पूछेंगे, एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है। देखो 99.5% टू 99.9% वाटर, 0.1 टू 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सस्पेंडेड एंड सोल्यूबल फॉर्म। 2 मार्क्स क्वेश्चन या 1 मार्क्स का भी दे सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे टेक्सटाइल, केमिकल, फार्माक्यूटिकल, डेरी, कैनाइन ग्रोइंग, मीच पैकिंग, टैनरी, ऑयल रिफाइनरीज एंड मिल इंडस्ट्रीज, इन सब के काफी सारा जितने भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है ये भी हमारे सीवेज में क्या है, मिक्स कर दिया जाता है। कंपोजिशन यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कंपोजिशन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स एंड एल्गाई, बहुत सारे होते हैं। और ये सब हमारे सीवेज में भी फाउंड आउट होते हैं, वो भी बहुत सारी नंबरिंग में, कुछ फ्लक्चुएशन भी होता रहता है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। अब यहाँ पे कुछ इसमें कॉलीफॉर्म, फेसल्स ट्रॉपिकी, एनरोबिक स्पोर फॉर्मिंग, बैसिली एंड अदर टाइप्स ऑफ ओरिजिनेटिंग इन द इंडस्ट्रियल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर जो रॉ सीवेज है कंटेन्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर ml। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये 1 मार्क्स का, यहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, बिफोर वेस्ट वाटर इज मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इट हैज टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली। आपको पता है ना जो गंदा पानी होता है पहले इसको ट्रीट किया जाता है थ्रू इनऑर्गेनिक सैल्ट्स, सॉल्ट्स एंड पैथोजन, तब जाके हमारे घरों में भेजा जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेस होती है, वैसे अभी तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये जो ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस है, हो सकता है आपको ये लेंथ में बहुत ही ज्यादा डिफेंड में लिखने के लिए आ जाए। 4 ट्रीटमेंट होते हैं, पहली ट्रीटमेंट होती है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीली ट्रीट में भी अगेन 2 पार्ट होते हैं, स्क्रीनिंग एंड ग्रिफ चैम्बर। सबसे पहले आती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं किसी चीज को देखना, स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग, दैट इज देखना। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी सीवेज है या फिर वेस्ट वाटर है उसमें कौन कौन से सस्पेंडिंग पार्टिकल्स, फ्लोटिंग मटेरियल्स, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है डिसॉल्व फॉर्म में और प्लस सॉलिड फॉर्म में, सबसे पहले तो देखना ही पड़ेगा ना, देखोगे कि नहीं देखोगे। अब इसमें जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कंकड़ वकड़ा वो बैठ गए, उसको तो हम लोग इजिली फिल्टर और रिमूव कर सकते हैं स्क्रीनिंग चैम्बर्स में, कर सकते हैं ना, हो गई स्क्रीनिंग। अब आ जाता है नेक्स्ट ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर देखो, ग्रिट चैम्बर में क्या है,
आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड सीवेज देन पास इनटू द सीरीज ऑफ क्रिट चैम्बर। अब क्या फिल्टर कर लिया हमने, सीवेज में जो बड़े बड़े पत्थर थे जो उनको बैठ गए थे, सस्पेंड हो गए थे, उसे हमने फिल्टर कर लिया। अब हम उस फिल्टर्ड वाटर को कौन से चैम्बर में भेजेंगे, ग्रिट चैम्बर्स में भेजेंगे, जहां पर बड़े बड़े स्टोन्स ब्रिक बैलेस्ट प्रेजेंट होंगे, वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे एंड देन उस सीवेज को हम लोग क्या है अलग कर लेंगे। वो पर्टिकुलेट मैटर जो हा भरी भरी पत्थर थे, ब्रिक थे, नीचे बैठ गई ग्रेविटी की वजह से, पानी अलग कर लिया, उसको अलग कर दिया। दूसरा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। देखो क्या होता है, अभी हम लोगों ने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कर लिया, अब आता है हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज होता है। इसमें हमारे 50-70% सॉलिड्स सेटल डाउन हो गए। देर इज अ रिडक्शन ऑफ अबाउट 30-40% इन नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिक। अभी हमने क्या देखा कि 50-70% जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो तो प्री में अपने रिमूव्ड हो गए, यही तो देखा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में अलग हो गए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 30-40% कम हो गए। जब 50-70% सॉलिड चीजें सेटल डाउन होगी, हमने अगर फिल्टर कर ली, उसके साथ साथ 30-40% जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो भी अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा वो भी सेटल डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। पहले घर तो क्वेश्चन बना लेंगे 1 मार्क्स का, व्हाट इज प्राइमरी स्लज, द ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज सेटल डाउन इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। इसको हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस से, क्योंकि ये स्लज एक तरीके से स्लज मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा मड टाइप स्लज होता है, तो इसको मैकेनिकल ऑपरेटेड डिवाइसेस से रिमूव किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये भी सेडिमेंटेशन यानी कि नीचे तरफ जम जाता है पूरा, लेकिन हम जब उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो पूरा मिट्टी की तरह तो होता ही गीला गीला, पूरे फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस से निकालना पड़ता है। इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। सॉरी अब यहाँ पर क्या है, अब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी है जो डिजोल्व फॉर्म में होता है। अभी तो हम लोगों ने स्लज निकाला सेडिमेंटेशन का यूज करके, अब इसमें काफी सारा डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर भी है, डिजोल्व मतलब जो डिजोल्व फॉर्म में पानी में। अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है हम लोग उस पानी में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। जब उसकी ग्रोथ होती है तो वो पूरा फ्लॉक्स बना लेता है, फ्लॉक्स मतलब ग्रुप बन जाता है, मास बन जाता है पूरे बैक्टीरिया का, स्लाइम की तरह, ठीक, पूरे मासेस की तरह। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको खाते हैं, वो उनका खाना होता है, ये समझ लीजिए क्या है, वो उनका खाना है। एंड ड्यू टू दिस बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोब्स से, एरोबिक माइक्रोब्स से ऑक्सीजन की तो भाई यूज कर रहे हैं, एरोबिक माइक्रोब्स कौन से होंगे, जो अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और जहां पर ये प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक मैटर को खा भी रहे होंगे प्लस ऑक्सीजन को भी यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एरोबिक है भाई, उनको चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। फोर्थ ट्रीटमेंट टर्शियरी ट्रीटमेंट आता है। यहाँ पर क्या हुआ, बीओडी से जो वेस्ट वाटर था वो तो रिड्यूस्ड हो गया, अब इसको पास करेंगे सेटलिंग टैंक में। क्या किया, सेटलिंग टैंक में, अब इसमें जो बैक्टीरियल का फ्लॉक था पूरा ग्रुप था वो सेडिमेंट नीचे की तरफ जल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। अगेन यहाँ पर सेम चीज करी जाएगी, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज पास्ड बैक इन अ एडिशन टैंक एंड द मेजर पार्ट इज पंप्ड इनटू अ लार्ज टैंक कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखिए यहाँ पर जो ऊपर ऊपर का जो साफ पानी है, क्या बैक्टीरियल फ्लॉक तो नीचे जम गया, ऊपर ऊपर साफ पानी रह गया, उसको हम लोग दूसरे टैंक में एरिएशन टैंक में पास करते थे, नीचे वाला हम लोग लार्ज टैंक में पास करते हैं और उसको उसमें ऐड करवाते हैं एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें एन एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो सारे बैक्टीरिया और फंजाई के स्लज को डाइजेस्ट कर जाता है, देन पानी को फिर क्या है अलग कर दिया जाता है। और एनएरोबिक डाइजेशन के टाइमिंग पर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने सारे यानी कि बैक्टीरिया फंगल सबका डाइजेशन तो कर लिया, डाइजेस्टर खा लिया, लेकिन अब एनएरोबिक बैक्टीरिया को भी तो हटाना बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐड करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की दवाइयाँ आती हैं और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। अब इस क्लोरीन से क्या हुआ, वो जितने भी एनोब्रिक बैक्टीरिया थे मर गए, नीचे जम गए, पानी को दोबारा से फिल्टर कर दिया। अब इस पानी को हम लोग आसानी से रिवर स्ट्रीम में क्या है फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्लज होता है डाइजेस्टिव स्लज है एनोरोबिक बैक्टीरिया का, एरोबिक बैक्टीरिया का, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। कट इट, इतना समझ में आ गया।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपके पास चार्ट अवेलेबल है ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है बनाने के लिए। देखिए पहले वेस्ट वाटर था, उसकी स्क्रीनिंग करी, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट सेटिंग करवाया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी पहले आप लोगों का एरेशन टैंक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ट्रीटेड एफ्लुएंट, उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया, के बाद एनएरोबिक, उसके बाद फ्लश की टू डिस्पोज, सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब माइक्रोब्स का जो यूज है एनर्जी जनरेशन के लिए भी होता है। अब देखिए एनर्जी जनरेशन के लिए क्या है, जैसे कि हम लोग का जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बायोगैस प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जो गोबर वगैरह होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उस पूरे प्लांट में इकट्ठा कर दिया जाता है काफी टाइम तक, और उसमें जो गैस रिलीज होती है वो मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफी सारी गैसेस रिलीज होती हैं, राइट। और जो बायोगैस रिलीज होती है, बायोगैस को तो हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों तरीके से यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल है, इसके अलावा ये रिन्यूएबल है, अगेन एंड अगेन हम इसको यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो माइक्रोब्स अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बायोगैस में किस किस का मिक्सचर होता है, मिथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, अदर गैसेस का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाईली इनफ्लेमेबल होती है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज की जाती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वही पढ़ा रही हूँ जो आएगा। इसके अलावा इसमें करते क्या है, जो प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, जितने भी होता है ये सब बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा कैटल डंग भी है एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स। इन सब में क्या है, बायोगैस के प्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है रिसोर्स वो सेलुलोज होता है। बायोगैस का प्रोडक्शन एज यू कैन सी यहाँ पर, जैसे कि पूरा ये पूरा डाइजेस्टर है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी वो था ना एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया जाता है। यहाँ से 2 होल्स बनाते हैं, एक इधर की साइड बनाते हैं, एक इधर से है। ये डंग वाटर है, यहाँ पे पूरा पूरा पानी डाला जाता है, पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम हो जाता है, माइक्रोब्स अपनी पूरी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, गैसेस निकलना स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गैस होल्डर है, यहाँ से गैस निकाल देते हैं बायोगैस, और जो स्लश बचता है वो यहाँ पर आ जाता है, और स्लश को फिर एग्रीकल्चर में डाल दिया जाता है ताकि खाद वगैरह बन जाए। डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए। बायोगैस प्रोडक्शन ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पे 2 मॉडल्स यूज किए जाते हैं बायोगैस प्लांट्स के, KVIC और IMRI। जहाँ पे डाइजेस्टर से यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं उस जगह को बायोगैस प्लांट कहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी डाइजेस्टर होता है, गैस होल्डर होता है, डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स एंड सीमेंट और स्टील, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए आ जाए समझ लीजिए। सिलेंड्रिकल गैस होल्डर होता है और गैस टैंक होता है जहाँ पे गैसेस कलेक्ट होती हैं, डाइजेस्टर होता है जहाँ पे सारी चीजों को डाला जाता है, बरिड किया जाता है सॉइल के अंदर, और एनएरोबिक डाइजेशन यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोलिसिस और सोल्युबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज है जहाँ पर हम लोगों का जो भी स्लरी है और पानी है उसमें इक्वल पोर्शन में क्या है, मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद एनएरोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम या फिर स्यूडोमोनास, वहां पे मिक्स डाल दिया जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस हो गई हाइड्रोलिसिस या सोल्युबलाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस आती है एसिडोजेनेसिस। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों के जितने भी एनएरोबिक बैक्टीरिया थे वो, और इसके अलावा एसिजोनिक बैक्टीरिया या फिर ऑब्लिगेट एनरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड प्रोसेस होती है मिथेनोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या है, सारे बैक्टीरिया यानी कि जो मिथेनोइक बैक्टीरिया और मिथेनोकोकस बैक्टीरिया था, अब इसके अंदर ये ऐड किए जाते हैं। ये क्या करता है, हमारे एसिटेट को, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तीनों प्रोसेस लिखने के लिए आ सकती हैं विद देयर रिएक्शन। फर्स्ट में देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एसिटिक एसिड था, मिथेन में कन्वर्ट हुआ, फॉर्मिक एसिड को अगेन मिथेन में कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अगेन मिथेन में कन्वर्ट किया। दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके चाहिए। बेनिफिट्स में आप लोग जानते ही हैं, बायोगैस का चीप होती है, सेफ होती है, रिन्यूएबल होती है, इजली जनरेटेड है, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज में लाइटनिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग एज वेल एज स्किल इंडस्ट्री, सब तरीके से यूज करते हैं। ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक रिलीज होती है, सैनिटाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग में हेल्पफुल है, इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं करती है, एनवायरमेंट में इम्बेलेंस नहीं करती है, एंड जो स्लज बचता है उसको हम एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स।
यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि किस तरीके से हम लोग माइक्रोब्स का यूज कोई भी डिसीज किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने में करते हैं, ये होता है बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से कर लीजिए, द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट इज बाय यूजिंग अनदर नेचुरल और बायोलॉजिकल एनिमीज कॉल्ड बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। यहाँ से डेफिनेशन आएगी 2 मार्क्स की, मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, एजेंट्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। इसमें हम लोगों के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजा कुछ भी आ सकता है, ये तो कॉमन है, सब लोग जानते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग बात करें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की, ऑब्वियसली बात है जब हम इसका यूज अपने एग्रीकल्चर में करते हैं तो हमारे साथ साथ ह्यूमन बींग्स के साथ एनवायरमेंट को भी बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका यूज कम करके हम बायो एजेंट्स का यूज करें ताकि वो हमारे इको फ्रेंडली भी हो प्लस ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान ना पहुंचा जाए। कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बीटी, बैसिलस थ्रुगनेसिस, ये गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स वेयर ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्रुगनेसिस आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज बेरेसिका एंड फ्रूट ट्रीज। ये क्या करते हैं, दीज स्पोर्स आर देन ईटन बाय द इंसेक्ट्स लार्वा, सो द गट इन द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड इवेंचुअली। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे बीटी है, ये बटरफ्लाई है या कोई भी कैटरपिलर या किसी भी इंसेक्ट्स को किसी भी प्लांट से हटाने के लिए यूज किया जाता है। इस पूरे बैसिलस थ्रोगिनेसिस को, बैक्टीरिया है, पानी में मिक्स किया जाता है और स्प्रे कर दिया जाता है स्पेशली ब्रैसिका या फ्रूट ट्रीज पर, ताकि कोई भी इंसेक्ट, बटरफ्लाई या कैटरपिलर आकर अगर गलती से भी उस प्लांट की लीव को खाती है तो उस लीव पर किसका सॉल्यूशन है, इस बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है। अब ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर की बॉडी में जाएगा, टॉक्सिन रिलीज कर देगा, उसको मार देगा, खत्म का, कुछ बचा ही नहीं। एक है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, ये फ्री लिविंग फंजाई है जो कि राइजोस्फीयर में फाउंड की रूट्स में फाउंड आउट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बायो कंट्रोल में। एक्चुअली क्या है, ये जो फंगस है ये वायरिडिन, ग्लाइकोटॉक्सिन, ग्लाइकोविरिन ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी रूट में, किसी भी प्लांट्स की रूट में कोई डिसीज या कुछ भी हो जाता है तो उसको रिलीज कर दीजिए इस फंगस को, वो सारे के सारे जितने भी डिसीज इंसेक्ट्स होंगे सबको फिनिश कर देगी और रूट्स को कोई भी नुकसान नहीं करेगी। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड देयर होस्ट, ओके चलिए ठीक है, पैथोजेंस है ये, होस्ट है ठीक है, ये बैक्टीरिया है यानी कि किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, फंजाई इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्रोटोजोआ इन सब के ऊपर, वायरसेस इन सब के ऊपर, टेबल है याद कर लीजिए। अब आता है नेक्स्ट आप लोगों का बायो हर्बिसाइड्स, पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज बायो हर्बिसाइड्स, 1 मार्क्स की डेफिनेशन या 2 मार्क्स की। दैट वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। वीड्स कम्पीट विद द मेन क्रॉप इन द फार्म लैंड फॉर वाटर स्पेस, मिनरल्स, लाइट, एयर एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कोलेटरल होस्ट फॉर सेवरल पैथोजेंस। यहाँ पे दीज आर कॉल्ड मतलब ये होते हैं हम लोगों के वीड्स, वीड्स की डेफिनेशन थी। अब हम लोग माइक्रोब्स का यूज एज अ हर्बिसाइड्स कर सकते हैं, इसीलिए तो नाम रखा बायो हर्बिसाइड्स, यानी कि लिविंग चीज का यूज हम लोग एज अ हर्बिसाइड करें। यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात करें फंजाई की, एज माइक्रो हर्बिसाइड, फंजाई का नाम है फाइटोफोथोरा फाल्मीरा, मिल्क वीड्स इन ऑर्चार्ड्स, ऑल्टरनेरिया क्रेसा, कंट्रोल वाटर हाइजोनिन, फ्यूसेरियम एस्पिसी, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड्स। यही हम लोग बैक्टीरियल पैथोजन में बात करें तो स्यूडोमोनस एसपीपी अटैक सेवरल वीड्स, ज़ैंथोमोनस अटैक सेवरल वीड्स, एग्रोबैक्टीरियम आल्सो अटैक सेवरल वीड्स। इंसेक्ट में बात करें तो टाइरी मॉथ है, कंट्रोल्स द वीड सेनेक्यो जकाबे, कैक्टोब्लास्ट कैक्टोरम की बात करें कंट्रोल कैक्टी वीड्स, नाम याद कर लीजिए सबके। नेक्स्ट आता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ओके ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है केमिकल फॉर्म में होते हैं जो हमारी फील्ड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फील्ड को भी ना पहुंचाते हैं, इंसान को भी पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को तो पहुंचा ही रही हैं, तो क्यों ना हम लोग केमिकल की जगह बायोलॉजिकल यूज करें तो हम लोगों को भी फायदा होगा। अब कैसे है वो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बायोलॉजिकल इन ओरिजन एंड इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर, कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बाकी पूरा छोड़ दीजिए, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, गॉट इट, ओके 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 देखते हैं। चलिए यहाँ से पूरा कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से पूरा कर दीजिए, कुछ नहीं आएगा, टाइप्स पे मूव ऑन कर जाइए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, काफी टाइप्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें किसकी प्रेजेंस हो, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स यानी कि अमोनिया की,
इनको हम लोग बोलते हैं डाइएज़ोट्रॉप्स, इनको हम लोग डाइएज़ोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। सिम्बायोटिक एज यू नो, जो किसी पर डिपेंड रहे, राइट। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ एसोसिएशन बना के रहे, किसी के साथ ग्रुप शेयरिंग करके रहे। फ्री लिविंग अपना मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स, यानी कि ऐसे आप लोगों के बैक्टीरिया की स्पीसीज जो क्या है, जिसके अंदर किसकी प्रेजेंस है, फॉस्फेट की प्रेजेंस है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर बन जाएगा। कंपोस्ट मेकिंग, कंपोस्ट तो आप लोग जानते ही हैं भाई, हम लोग जितना भी घर का ऑर्गेनिक मैटर होता है, सब्जी का पील हुआ, फ्रूट पील हुआ, रोटी वोटी सब लोग ऐसे फेंक देते हैं, सब्जी वगैरह, तो ये कंपोस्ट होता है। ऊपर से पत्तियां गिर गई, सब हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसी बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रोटीफर्स का एडिशन कर देंगे, कंपोस्ट बन जाता है, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एस बायोफर्टिलाइजर्स काफी सारे होते हैं, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, सिम्बायोटिक भी है, एरोबिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, हेट्रोसाइट और नॉन हेट्रोसाइट सभी तरीके के हैं। नाम पूछेंगे, नाम याद कर लीजिए बस, नथिंग एल्स। एनाबेना, नॉस्ट्रिक, प्लेसेटोना, ऑसिटेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनाबेना, नॉस्ट्रिक और टॉलीफोथ्रिक्स है, ये लिकेन के साथ एसोसिएशन करते हैं। एनाबेना आप लोगों के अजूला और साइकस के साथ एसोसिएशन, देखो यहाँ से कहाँ से इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो यहाँ से एग्जाम्पल से एनाबेना। बाकी के ये जो तीन है, ये लेकिन के साथ एसोसिएशन करके रहते हैं। एनाबेना ये अजोला और साइकिल प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करके, वन मार्क्स का क्वेश्चन, नथिंग इज इम्पोर्टेंट अबाउट इसके अलावा। बायोफर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन मुझे बताने की डू यू नो में है, आप लोग कर सकते हैं अपने आप। फंगल बायोफर्टिलाइजर्स भी होते हैं, फंगल बायोफर्टिलाइजर जैसे कि माइकोर्जिया जो कि एक फंगस है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है हम लोगों के जो अंडरग्राउंड पाउट्स होते हैं, राइजोम्स या फिर हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, गॉट इट। इसको डिस्कवर्ड किया था फ्रैंक 1885 में। दो टाइप की होती है, एक्टोमाइकोर्जिया, एंडोमाइकोर्जिया। एक्टो यानी कि रूट्स के जो आउटसाइड रहेगी, जैसे कि रूट्स है तो उसके ऊपर ऐसी सरफेस पर चिपकी हुई है, तो ये होती है एक्टो। एंडो जो रूट्स के अंदर रहे, जैसे ये रूट्स है, रूट्स के अंदर सेल्स में चली जाए, वो है एंडो। एंडो यानी कि इनसाइड, गॉट इट। इसके अलावा बायोफर्टिलाइजर माइक्रोजियम में एक राइजोबियम है, पता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके साथ, रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि प्लांट्स, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, राइजोबियम यही करता है, और एक तरीके से बायोफर्टिलाइजर भी है। एजोटोबैक्टर की बात करें, देखिए ये भी एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही है, ये भी काफी सारी प्लांट्स की रूट्स, ग्रासेस और प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के रखता है, ठीक है। और जितने भी नॉन लेगुनस प्लांट्स होते हैं उनको एज अ बायोफर्टिलाइजर काम करता है। एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम आपके पास है। उसके बाद आता है यहाँ पर अजोसोप्रिलियम। अजोसोप्रिलियम इज ऑल्सो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कॉर्न, वीट और ज्वार रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के रखता है। ये 20-40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर को फिक्स करता है, यानी कि एक हेक्टेयर में 20-40 केजी नाइट्रोजन है ना, तो उसको नाइट्रेट या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और जितने भी नॉन लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, सीरियस, मिलेट्स, कॉटन, ऑयलसीड, उन सबके लिए बायोफर्टिलाइजर का काम करता है। एनाबेना की बात करें, जो कि एक मल्टी सेलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, प्लैंकटन की तरह, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एक तरीके से। काफी सारे सर्टेन प्लांट्स हैं जो बहुत सारे प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बना के रखती है, जैसे कि साइकस और एंथ्रस के, सैलेड्स के रूट्स के साथ। इट हैज सम स्पेशलाइज्ड इन कलर सेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। वन मार्क्स का क्वेश्चन कि एनाबेना के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड और कलर सेल्स होते हैं, दैट इज हेट्रोसाइट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अजोला की बात करें, अजोला जो कि फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है, दैट्स नॉट अ बैक्टीरिया, दैट्स नॉट अ फंगस, इट्स अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न जिसके अंदर राइजोम्स होती हैं, फ्लोट करने के लिए बायोलॉब्ड लीव्स और रूट्स होती हैं, लीफ डॉर्सल और वेंट्रल लोब शो करती हैं, एंड इन द डॉर्सल लोब एनाबेना फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द एरेनकाइमा। डॉर्सल पार्ट में एनाबेना के एरेनकाइमा में फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। एंड इन राइस फील्ड अजोला इज यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर। वन मार्क्स का क्वेश्चन कि राइस फील्ड में एज अ फर्टिलाइजर क्या यूज होता है, वो है आप लोगों का अजोला। बायोफर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, लो कॉस्ट है, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, पॉल्यूशन हजार से फ्री है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं,
बीजीए एज अ फर्टिलाइजर सीक्रेट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन्स एंड विटामिन। अजोट बेनिफिट्स आप लोगों के कम से कम 5 मार्क्स के लिखने के लिए आएंगे, सो दैट्स व्हाई करके जाइएगा अच्छे तरीके से। अजोटोबैक्टर सप्लाई नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स इन द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेक्सचर स्ट्रक्चर पीएच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑल द थिंग्स। समझ में आ गया? सो वी कैन से दैट कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें सो इट्स बेटर फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर आर एनवायरमेंट। गॉट इट स्टूडेंट? क्लियर? ये चैप्टर आप लोगों का यही फिनिश्ड होता है क्योंकि ये कुछ टफ था ही नहीं। आधा पार्ट तो रिड्यूस था जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था जिसमें याद करने वाली चीजें थी, आज इसमें याद करने वाली चीज ही नहीं है, सिर्फ वही आप लोगों का पढ़ा हुआ था तो वो मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया कि कहाँ से करिए और कितना आप लोगों को करना है। जहां करना नहीं है वहां करने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। बट इट चलिए इसी के साथ इसी चैप्टर का भी रिविजन खत्म होता है। आप लोगों का नेक्स्ट 12 चैप्टर है रिविजन के लिए, जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी फिनिश करेंगे ताकि आप लोग सिर्फ अपने आप लोगों का जो भी पार्ट रिमेनिंग है आप लोग उसे कर सके। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड आप लोग भी अपना रिवीजन साथ के साथ करते रहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम।